एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में कोई भी घटना बेवजह नहीं होती। उसके आसपास के लोग, उसकी परिस्थितियाँ और उसके जीवन में होने वाले सभी बदलाव किसी विशेष उद्देश्य का हिस्सा होते हैं। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर तुम दंग रह जाओगे। वह बात ऐसी है कि यदि कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी भी वस्तु को चाहता है, उसे पाने के लिए हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, तो वह वस्तु निश्चित ही उसे मिलकर रहती है। इसके पीछे ब्रह्मांड का रहस्य छुपा हुआ है। जब कोई अपने हृदय से किसी घटना या वस्तु का चिंतन भावनात्मक रूप से करता है, तब उस वस्तु या घटना के परमाणु उसका निर्माण उसी क्षण ब्रह्मांड में कर देते हैं। तुम जिसे भविष्य में कल्पना कर रहे हो, वह इसी क्षण आकाश लेके ब्रह्मांड में तैरने लगता है। समय केवल उसे तुम तक पहुंचने में लगता है, वह भी इसी कारण, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपनी कल्पना से रची वस्तु पर विश्वास नहीं करता। मेरे प्रिय, यदि तुमने कभी भी किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना को आकर्षित करने का प्रयास पूरे मन से किया है, तो वह तुम तक अवश्य ही पहुंच जाएगी, भले ही अभी परिस्थिति चाहे जो हो, चाहे बार बार तुम्हारा विश्वास कमजोर पड़ता हो। लेकिन जब तुम्हारी कल्पित चीजें एक के बाद एक तुम्हारे पास आएंगी, तब तुम स्मरण करोगे, यह सब तुमने स्वयं आकर्षित किया था। अब प्रश्न यह उठता है कि सोचते तो बहुत से लोग हैं, परंतु सभी को वह चीजें क्यों नहीं मिलती। इसका उत्तर बड़ा ही सरल है। वास्तव में वह उसे चाहते ही नहीं हैं। यदि किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए उसे क्या चाहिए, तो वह हजारों वस्तुएं बता सकता है, किंतु अगले ही पल उसकी चाह बदल जाएगी। वह स्वयं नहीं जानता उसे वास्तव में क्या चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जो जानते हैं उन्हें क्या चाहिए, और उसके लिए वह हर परीक्षा देने को तैयार होते हैं। मेरे बच्चे, तुम जैसे ही पूरे मन से उस वस्तु को सोचते हो, ब्रह्मांड उसकी रचना कर देता है, किंतु उसे तुम्हें देने से पहले वह तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जो तुमने रचा है, क्या वह सच में तुम्हारे लिए मायने रखता है या नहीं। जो हर संघर्ष पार करके भी उस वस्तु को पाने की चाह नहीं छोड़ता, उसे वह वस्तु दे दी जाती है। वही जो लोग परीक्षा में असफल होते हैं, उन तक वह वस्तु नहीं पहुंचती जो उन्होंने कल्पना में रची थी। ब्रह्मांड की ऐसी सुंदर योजना होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो तुम अनगिनत चीजें प्रतिदिन सोचते हो, किंतु वह तुम्हें नहीं चाहिए। मेरे प्रिय, अपने जीवन में झांक कर देखो, अपने शिक्षा काल का समय देखो, जब निस्वार्थ भाव से तुमने कोई वस्तु या घटना की कल्पना की और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हुए, तो क्या वह तुम्हें नहीं मिली?
ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसे तुम पूरे मन से चाहो वह तुम्हें ना मिले। अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। यह आकर्षण के नियम का गुप्त सूत्र है जो यह बताता है कि जब तुम कुछ आकर्षित करते हो तो तुम्हारे साथ होने वाली हर एक घटना तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक ले जाने का कार्य करती है। वह घटना तुम्हारे लिए अच्छी हो या बुरी, किंतु उसका परिणाम तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। तुम जो भी चाहते हो उसे केवल तुम ही बना सकते हो और उसे तुम ही अपने पास ला सकते हो। बस विश्वास और समर्पण ही दो चाबियां हैं जो ब्रह्मांड की अनंत खजाना दे सकती।